बसमिल्ल रन रही अब जबकि हमने सेंट्रल बैंक के ऑपरेशंस और उसके डिफरेंट एक्शन या टाइम्स कमर्शियल बैंक के एक्शन या जनरल पब्लिक के एक्शन से ये देख लिया कि सेंट्रल बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटीज पे क्या फ़र्क पड़ता है तो अगला स्टेप हमारा आता है कि हम आप अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें इस तरीके से कि सेंट्रल बैंक का अपनी ही मनी के ऊपर कितना कंट्रोल है क्योंकि बाहिर तो ऐसे लगता है कि जब मॉनिट्री बेस सेंट्रल बैंक की मनी है ये मॉनिटरी लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक कहते हैं इसे या ये सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं तो ऐसे लगता है कि फिर सेंट्रल बैंक का अपना तो इस परफेक्ट कंट्रोल होगा तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई सेंट्रल बैंक का अपनी मनी के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल होता है तो याद रखें इसके लिए हम मॉनिटरी बेस के डिटामिनेट्स पे जाए वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब हम समराइज करने लगे ना कि उसका कितना कंट्रोल है तो जरूरी होगा कि हम पहले यह देखेंट फॉर्म में दोबारा देख लें कि क्या है एक डिटामिनेंट था ओपन मार्केट ऑपरेशन एक डिटामिनेंट था लोन जब सेंट्रल बैंक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है और फिर कुछ चीजें हमने अदर डिटामिनेट में भी पढ़ी जैसे फ्लोट हो गया जैसे गवर्नमेंट शिफ्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स हो गया और जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन हो गया अब इसमें से अगर देखें तो पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसकी हमने डिटेल पढ़ी ओपन मार्केट सेल भी ओपन मार्केट परचेज भी हमें एक ही रिजल्ट मिला कि सेंट्रल बैंक हैज परफेक्ट कंट्रोल ओवर इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक का इसके ऊपर परफेक्ट कंट्रोल भी है और जब परफेक्ट कंट्रोल होता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोसेस सेंट्रल बैंक जब चाहे इनिशिएट कर ले तो ओ एम ओ इज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल बैंक ये प्लस पॉइंट है सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के लिए तो इसका मतलब यह है कि OMO के थ्रू जो मॉनिट्री बेस इफेक्ट होती है दैट इज अंडर परफेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक और ये वन वन टू इफेक्ट होता है दूसरा क्या आ गया दूसरा आ गया आ, जो हमने पढ़ा कि अगर सेंट्रल बैंक कोई लोन एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन एक्सटेंड जब करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसके इफेक्ट्स तो हमने मॉनिटरी बेस पे पढ़ लिए कि उसके इफेक्ट्स होते हैं लेकिन एक बेसिक इशू है कि क्या लोन सेंट्रल बैंक कहेगा कि जी मुझसे लोन ले लें और वो प्रोसेस सेंट्रल बैंक इनिशिएट करेगा जब उसकी जरूरत हो ये नहीं बल्कि होता, होता है सेंट्रल बैंक कैन चेंज दैट रेट लेकिन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मजबूर तो नहीं करेगा कि ये आप मुझसे लोन ले लें नहीं वो कमर्शियल बैंक का डिसीजन इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक जब लोन के ऊपर रेट चेंज करे तो रेट चेंज होने से लोन की अमाउंट चेंज हो तो सकती है लेकिन डिसीजन ये फिर भी कमर्शियल बैंक का है कि वो लोन ले या सेंट्रल बैंक से लोन ना ले रेट बढ़ गया है, तो फिर भी अगर कमर्शियल बैंक लोन लेना चाहता है तो ये उसकी मजबूरी उसका प्रॉब्लम या उसकी मर्जी उसकी अपनी इंटेंशन उसका अपना बिजनेस मॉडल है लेकिन अगर नहीं लेता तो ये सेंट्रल बैंक सक्सेस है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन कम करना चाहता था तो लोन कम हो गया इन एनी केस है ये कमर्शियल बैंक का डिसीजन इसका मतलब है हम कंक्लूड करेंगे कि सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस मॉनेटरी बेस थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंट लोन लेकिन ये परफेक्ट कंट्रोल में नहीं है इसलिए कि ये डिसीजन ही सेंट्रल बैंक का नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस फिर इस पॉइंट पे फिर हम एक और काम करते हैं हम मॉनेटरी बेस को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं और वो क्या है दो हिस्से एक हिस्सा वो है जो कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से जब वो लोन लेता है तो वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स में ऐड हो जाते हैं जब वो रिजर्व में ऐड हो गए लेकिन ये तो लोन की अमाउंट थी तो लोन की अमाउंट लाइबिलिटी है रिजर्व उसका एसेट है कमर्शियल बैंक का तो बहरहाल रिजर्व्स में तो ऐड हो गए तो हम कहेंगे बारोड रिजर्व्स हैं यानी कि ये कमर्शियल बैंक के रिजर्व के तौर पे एसेट के तौर पे तो लिखे जा रहे हैं लेकिन ये लोन लिए हुए रिजर्व्स हैं तो हम कहेंगे ये बारोड रिजर्व्स हैं और इसके अलावा जो रिजर्व्स कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के पास हैं जो बेसिकली कस्टमर के डिपॉजिट्स का एक खास परसेंटेज होता है वो या जो करेंसी है उसको हम कहेंगे ये नॉन बारोड मॉनिट्री बेस है तो इसका मतलब है मॉनिट्री बेस के दो हिस्से हो गए बारोड रिजर्व और नॉन बारोड मॉनिट्री बेस तो ये MBN जो इक्वेशन में लिखा हुआ है दिस इज नॉन बारोड मॉनिटरी बेस ये नॉन बारोड मॉनिटरी बेस अगर निकालनी हो तो ये मॉनिटरी बेस में से बारोड रिजर्व माइनस करेंगे तो बाकी नॉन बारोड मॉनिट्री बेस आ जाए इसका मतलब ये है कि ये दोनों में से एक बारोड रिजर्व और एक और उसके सेंट्रल बैंक का अपना अपना एक कंट्रोल एक पे है एक पे परफेक्ट नहीं जो बाकी तीन हमने पढ़े अदर डिटामेंट्स ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है जिनमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि फ्लोट हो सकता है इसमें गवर्नमेंट्स डिपॉजिट विथ सेंट्रल बैंक हो सकता है और इसमें जो सेंट्रल बैंक की अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक की अपनी इंटरवेंशन हो सकती है, मार्केट नहीं उसकी अपनी इंटरवेंशन हो सकती है ये इन रीजंस की बेस पे सेंट्रल बैंक का आ, जो मॉनेटरी बेस है उसकी अपनी मनी उस परफेक्ट कंट्रोल नहीं रहता थैंक यू